नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार झा और आज मैं आप लोगों को अपनी कुछ नई कविताएं सुना रहा हूं। ये कविताएं हाल की मेरी लिखी कविताएं हैं और पहली कविता का शीर्षक है सौदागर। सौदागर, सौदागर तुम देश को कैसे मुट्ठी में कर लेते, सौदागर तुम देश को कैसे अपनी मुट्ठियों में कर लेते, यातना गृह में बैठे लोग बाजार में तंगी की मार झेलते, लोगों के बारे में जब भी कुछ सुनते तब खुद को गौर से हम सभी सौदागर तुम्हारे पास खुद को अकेला देखते, रात में बाजार बंद होने के वक्त तब तुम रात के पहले पहर में आराम से हिसाब किताब करके घर लौट रहे होते, बाजार होती चली जाती इस दुनिया में सौदागर। यह रंग बिरंगी रोशनी का कैसा नजारा है, बाजार होती चली जाती इस दुनिया में, यह रंग बिरंगी रोशनी का कैसा नजारा है। सौदागर सौदागर सबके पास आया हुआ है, यहाँ 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 सबको शहर में यहाँ सबको शहर में गुमनाम बनाता हुआ सौदागर, यहाँ सबको शहर में गुमनाम बनाता हुआ सौदागर सबको देखता रहता है, कोई सपनों का सौदागर, कोई सपनों का सौदागर काबुल से, चीन से, अरब के देशों से, काश फिर कभी हमारे बीच आता और सागर की लहरों पर तिरते हुए जहाजों को देखकर किसी सौदागर के बारे में हमें बताता। सौदागर तुम दुनिया को सौदागरों से बचाना चाहते हो, सौदागर तुम दुनिया को सौदागरों से बचाना चाहते हो और सबके पास आना चाहते हो कि मैं सौदागर नहीं हूं, मैं बाजार के बाहर आया हुआ हूं और बाजार में सबको चलने के लिए कह रहा हूं और बाजार में सबको चलने के लिए कह रहा हूं। यह मेला बाजार नहीं है, यह मेला बाजार नहीं है, यह हमारा देश है, यह हमारी दुनिया है, यहाँ हम सभी लोग इस मेले में शामिल हैं और रंग बिरंगी रोशनी से दूर शाम का यह मेला सबको अपने पास बुलाता है। इसे देखकर आदमी सोचता हुआ घर के बारे में सोचता हुआ घर जा रहा है। सौदागर तुम सौदागर नहीं हो, सौदागर तुम सौदागर नहीं हो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी कविता सौदागर पसंद आई होगी और मैं अब आपको अपनी दूसरी कविता सुना रहा हूं और इस कविता का शीर्षक है हार और जीत। सरहदों पर फौज क्यों कभी खामोश हो जाती, सरहदों पर क्यों कभी कोई फौज खामोश हो जाती, जीत के जश्न में शामिल फौजी
क्यों खामोश होकर बैरकों में वापस चले गए हैं। हवा बेड़ियों में जकड़े लोगों को देखकर खामोश हो उठी। हवा बेचैन हो गई। दरवाजे पर कोई चिट्ठी लेकर आता है। गुमनाम चेहरों में कोई चेहरा सबको याद आता है। भूखे गरीब लोगों के सपनों में कोई सेंध लगाता हुआ यह समय अब खामोश नहीं है। यहां हार और जीत का सवाल यहां हार और जीत का सवाल सबके सामने है। युद्ध की कगार पर लौटता हुआ एक देश युद्ध की कगार पर लौटता हुआ एक देश गर्मियों के दिनों में बेचैन होकर बारिश के इंतजार में सपनों के आगोश में खो जाता है। सरक का चांद आकाश में उसी वक्त नजर आता है। सरक का चांद आकाश में उसी वक्त नजर आता है। युद्ध में हार जीत का खेल क्या कभी खत्म हो जाता है। आदमी इसे देखकर फिर क्यों चुप नजर आता है। हार जीत का खेल जिंदगी में चलता रहता है। दोस्तों, हार जीत की सारी बातें जो हैं वो बर्बादी से मतलब दूर रहे, और इसमें आदमी की बर्बादी की बात जो है वो सबसे अहम है। आदमी हार कर भी बर्बाद नहीं हो और आदमी युद्ध में जाकर के भी बर्बाद नहीं हो। और अब मैं आपको एक अपनी अंतिम कविता सुना रहा हूं। ये एक छोटी सी कविता है और इसका शीर्षक है अफवाह। समाज में अब रोज किस तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होती खबरों में अफवाहें रोज अपना अर्थ, अपनी प्रासंगिकता, अपना प्रभाव खत्म करती दिखाई देती हैं। क्या समाज में मीडिया ने झूठ का पर्दाफाश कर दिया है, या सच के साथ चलती हुई मीडिया अक्सर झूठ को टटोलती रहती है। आदमी इसके बारे में ठीक कुछ भी सोचने से पहले कहना चाहता है, और वह सबसे बचना चाहता है। एक बेहद संदेह और शंका, तमाम तरह की शंकाओं से गुजरता आदमी झूठ सच के झमेलों में ग्रीष्म की दरकती हुई धरती पर रेंगता नजर आता है। आदमी रोज अपना घर बनाता है, और इसे वह एक सबसे बड़ी खबर की तरह से खुद को बताना चाहता है। सबको अफवाहों के बीच सच की लीक पर चलना है। सबको अफवाहों के बीच जिंदगी की लीक पर चलना है, और बेचैनी के इन्हीं दिनों में सच के साथ रोज आदमी को पंखा झलना है। गर्मी के बियावान में बर्फ की तरह से गलता हुआ आदमी क्यों शाम
आपको उदास नजर आता है। अफवाहें अपना अर्थ अस्तित्व खो रही हैं। दोस्तों, अफवाहों की बात अगर हम करें तो अफवाहें निरंतर मतलब खत्म हो रही हैं और सच जो है वो हमारी जिंदगी में वो उसका डंका बज रहा है, सच का डंका, और झूठ जो है वो हर जगह दबता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने जो कविताएं आपको सुनाई है, मैं वो सब सारी कविताएं हल्की लिखी हुई मेरी, बहुत एक छोटा सा कार्यक्रम है ये, जिसमें बहुत अच्छा लगा है मुझे आकर, और आपसे मैं विदा लेना भी चाहता हूँ। फिर मिलेंगे कार्यक्रम में अगले इसके किसी एपिसोड में, तब तक के लिए राजीव कुमार झा को अनुमति दें। नमस्कार।